गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस इन सिविक सब्जेक्ट। योर चैप्टर नंबर 6 इज द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आगे का जो वीडियो था उसमें हमने पेज नंबर 51 में ये पैराग्राफ देखा था, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद हम आज नेक्स्ट पेज देखेंगे। तो यहाँ पर हमने आगे ये लास्ट पैराग्राफ जो था वो देखा था, फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन वे मे बी डिग अ वेल समवेयर। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो हम आज देखेंगे। तो लिखा है कि एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पतवारी वर्क। तो यहाँ पर दिया है कि जो कीपिंग जो ट्रैक करते हैं ऑल दिस इज द वर्क, यानी जो भी वर्क है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का, तो जो सीनियर पीपल है इन दिस डिपार्टमेंट, यानी ये डिपार्टमेंट में जो भी सीनियर पीपल है सुपरवाइज है जो पतवारी का वर्क करते हैं, इसकी बात यहाँ पर की है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। दिस सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील तुलका तालुका, यानी ये जो तहसील तालुका है एक्सेट्रा। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नॉन एज तहसीलदार्स दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पतवारीज एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड। तो यहाँ पर बताया कि ऑल स्टेट्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जो ऑल स्टेट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स, यानी जो भी मैनेजिंग के मैटर्स होती है रिलेटिंग टू लैंड, लैंड के रिलेटिव होती है। दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, यानी वो फर्दर सब डिवाइडेड में डिस्ट्रिक्ट होते हैं। दिस सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम, यानी ये डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग डिफरेंट नेम से जाना जाता है। सच एज क्या है तो तहसील तालुका, यानी ये जो तहसील तालुका है एक्सेट्रा ऐसे कहा जाता है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो भी हेड होता है। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, यानी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं ऑल्सो नॉन एज तहसीलदार्स, यानी उसे क्या कहते हैं तो जो रेवेन्यू ऑफिसर उसे तहसीलदार्स भी कहते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, यानी उसे डिस्प्यूट्स भी कहते हैं। और दे ऑल्सो सुपरवाइज, यानी जो सुपरवाइज का वर्क होता है पतवारिस का, एंड एंश्योर उसका जो भी रिकॉर्ड होता है प्रॉपरली वो कैप्ट करते हैं, एंड लैंड की जो भी रेवेन्यू होती है वो कलेक्ट करते हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स एंड ईजिली ऑप्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, यानी ये फार्मर्स क्या करते हैं तो ईजिली ऑप्टेन करते हैं, जो कॉपी होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स कैन ऑप्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, यानी स्टूडेंट्स के भी जो रिकॉर्ड होता है और उसके जो कास्ट पर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं तो वो कलेक्ट करते। और द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हियर्ड। इसके बाद देखेंगे, फार्मर ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टूगेदर विथ अ मैप एज शोन इज इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस
तो जो फार्मर्स होता है ऑफन रिक्वायर अ कॉपी, यानी जो भी रिक्वायर मतलब उसकी कॉपी जो भी करते हैं लैंड्स रिकॉर्ड जो होते हैं उनके पास, तो टुगेदर विथ अ मैप वो लोग मैप में देखते हैं एज शोन इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन, यानी उनके जो भी इलस्ट्रेशन होते हैं उसमें प्रीवियस उन्होंने जो भी देखा था वो देखते हैं। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, यानी राइट टू दिस जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो चेक करते हैं। दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी, यानी उसकी जो भी स्मॉल फी होती है वो पे करते हैं। तो हाउ एवर दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली मेड अवेलेबल एंड फार्मर्स समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू गेट इट। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बींग कंप्यूटराइज एंड ऑल्सो कैप्ट एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड। तो हाउ एवर दिस इंफॉर्मेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है इज़ नॉट इजीली मेड, यानी ये कोई इजीली मेड नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती। एंड फार्मर्स जो भी होते हैं वो समटाइम क्या करते हैं, तो हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम, यानी उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो लोग बताते हैं उनको। तो इन सम स्टेट्स, यानी सम स्टेट्स में ऐसा ऐसा होता है, तो रिकॉर्ड्स जो भी उनके होते हैं वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड टाइप करते हैं एंड ऑल्सो कैप्ट एट द पंचायत ऑफिस, यानी वो क्या तो पंचायत ऑफिस भी कैप्ट करती है, तो एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोव इजीली अवेलेबल, और ऐसे वो लोग इजीली अवेलेबल करते हैं एंड रेगुलरली अपडेटेड करते हैं। वैन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड? स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दिस रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड वाई। तो यहाँ पर बताया कि वैन डू यू थिंक जो फार्मर्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड, क्या उनकी कॉपी जो होती है रिकॉर्ड होती है, तो स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी वो जो सिचुएशन होती है उस पर स्टडी करते हैं एंड आइडेंटिफाई जो भी केस होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्ड्स को नेसेसरीली लेते हैं। तो क्या होता है, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए। अ फार्मर वॉन्ट्स टू बाय अ प्लॉट एंड ऑफ लॉन लैंड फ्रॉम अनदर। अ फार्मर वॉन्ट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। अ फार्मर्स वॉन्ट अ लॉन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। अ फार्मर वॉन्ट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड। अ फार्मर वॉन्ट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। तो क्या यहाँ पर ये बताया कि वो क्या कौन कौन सी तरह वो लोग लैंड को नेसेसरीली मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। तो अ फार्मर यानी फार्मर क्या करता है, तो बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड, यानी जो उसका प्लॉट होता है जो लैंड का, तो वो अनदर को मतलब दूसरे पर्सन को बाय करता है। तो अ फार्मर वॉन्ट्स टू सेल, उसे सेल करता है, प्रोड्यूस टू अनदर, यानी जो अपनी लैंड होती है वो अनदर टू सेल करता है। और अ फार्मर वॉन्ट्स टू लोन फ्रॉम बैंक, बैंक में लोन जो लेते हैं हर हैंड खुद के हाथ से। तो अ फार्मर वॉन्ट्स टू परचेज फर्टिलाइजर, यानी जो परचेज करता है फर्टिलाइजेशन अपनी खुद की फील्ड के लिए। अ फार्मर वॉन्ट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी, यानी अपनी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो डिवाइड करते हैं अपने खुद के चिल्ड्रंस के साथ। तो ये यहाँ पर बताया है। यहाँ पर एक छोटी सी पोयम जैसा दिया है, अ डॉटर्स विश, यानी जो डॉटर्स की विश होती है, तो हम देखते हैं। फादर्स इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरी वन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, बट वॉट अबाउट मी एंड माई मदर? थ्रू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमनली आई एम टोल्ड, बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डोरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। द सोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मोनिटोरियो TISS। तो ये इसने लिखी है, ये क्या है, एक पोएम है डॉटर्स विश, जो डॉटर्स की विश होती है उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, अ न्यू लॉ, यानी जो लॉ होते हैं न्यू उसके बारे में। तो वो क्या है, हिंदू सजेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी हिंदू सक्सेशन जो अमेंडमेंट है एक्ट 2005 में, उसके बारे में देखेंगे। ऑफन वेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, वुमन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑफ द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड।
टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमन डिड नॉट गेट अ शेयर इन अ फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। यानी क्या होता है कि जो फादर्स होता है, फादर होते हैं वो मतलब फैमिली में अपनी जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होती है और जब फादर की डेथ होती है तो उसके बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी फादर की होती है वो क्या डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स, यानी उनके जितने भी बेटे उतने भी जिनके जितने भी सन्स होते हैं उनको डिवाइडेड करते हैं। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट इन इक्वल शेयर इन द लैंड द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर बताया कि रिसेंटली द लॉ हैज चेंज, यानी लॉ क्या होता है, वो लॉ वॉज चेंज होता है, तो इन द न्यू लॉ सन्स यानी जो न्यू लॉ सन्स होते हैं, डॉटर्स होते हैं और द मदर उनके जो भी मदर होती है कैन इक्वल शेयर यानी उनको इक्वल शेयर और लैंड जो भी हो दी जाती है। सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स यानी ऐसे लॉ ऑल स्टेट्स में अप्लाई होते हैं यूनियन टेरिटोरीज ऑफ द कंट्री। तो दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमन, यानी ये लॉ बेनिफिट होता है लार्ज नंबर ऑफ वुमन को। और फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द एन एग्रीकल्चरल फैमिली, शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नाइबरिंग विलेज। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। यानी ये जो कोई सुधा नाम की डॉटर है, एल्डेस्ट है वो, तो एग्रीकल्चर फैमिली से है वो, शी इज मैरिड, वो क्या है मैरिड है, लिव्स इन नाइबरिंग विलेज, यानी वो उनके फादर के नाइबरिंग नाइबर के विलेज में मतलब बाजू के विलेज में रहती है। आफ्टर हर फादर डेथ यानी बाद में उसके पापा की डेथ हो गई, तो सुधा ऑफन कम्स एंड उसकी मदर को हेल्प करती है और विद द फार्मिंग वर्क के लिए। तो हर मदर हैज़ आस्क्ड द पतवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रेकॉर्ड। तो उसकी मदर वो क्या करते है? पटवारी तो ट्रांसफर द लैंड यानी जो लैंड होती है वो ट्रांसफर करवाती है एंटर हर नेम यानी उसका नाम एंटर करवाती है अलोंग विद द नेम्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड यानी जो पूरे अपने चिल्ड्रंस के नाम में रिकॉर्ड करवाती है। सुधास मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेस द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स with the assurance that if she ever has a problems she can always depend upon her share of the land। तो जो सुधा है, सुधा मदर्स कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेस करती है विथ फार्मिंग हेल्प टू द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी ब्रदर एंड सिस्टर यंगर होते हैं उनके साथ। सिमिलरली सुधा क्या करती है, ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस, ऑल्सो जो भी एश्योरेंस होते हैं, तो शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम यानी उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड।